have you. अजीब लग रहा है कि बोल क्यों नहीं रहा है। ये सन्नाटा, मेरे लैंग्वेज में सन्नाटा यही हमारे कैंपस के सन्नाटे को दिखाता है। आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे साथ इतने दिनों बाद, या हो सकता है 4 बजे का सोशल जस्टिस का डिबेट था उसके वजह से भी JNUSU हमारे साथ कम से कम खड़ा है। अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं थे, चाहे वो AC मीटिंग पार्ट 1 से हो, AC मीटिंग पार्ट 2 से हो। मैं इतना डरपोक आदमी हूँ कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं है कि मैं इस लंपट वाइस चांसलर के खिलाफ एक शब्द बोलूँ। तो इसीलिए हमारे पास जो VC हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी टैलेंटेड है। ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट to become the vice chancellor under the regime of Hindutva fascist government, is BJP regime. इनका टैलेंट क्या है? कई लोग बोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये इसको बोलना भी नहीं आता, इसको ये भी पता नहीं है सेमिनार में क्या बोलना है। ये स्टूडेंट से डरता है, ये स्टूडेंट को भीड़ देख के भाग जाता है। ये लोग बोलते हैं कि 10 स्टूडेंट चले जाइए तो वाइस चांसलर सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, बड़ा डरपोक है। मैं इसके ठीक उल्टा सोचता हूँ कि जो आदमी, जिस आदमी की सबसे बड़ी योग्यता स्टूडेंट को इंटरटेन करना है ही नहीं, वो स्टूडेंट को इंटरटेन क्यों करेगा। हम लोग बोलते हैं संघी VC एजेंट है, संघ एजेंट है, संघ का एजेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ बाकी हमारे जितने साथी हैं जो वर्षों से लड़ रहे हैं, कम से कम लड़ने की बात तो कर ही रहे हैं, तो वो कहाँ है? मुझे लगता है कि लड़ाई कभी भी होगी। यहाँ पे कई सारे लोग हिस्ट्री के भी होंगे, कल्चरल स्टडीज़ को भी होंगे। दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अभी सोमू सर भी बोल के गए हैं कि कास्ट एग्जिस्ट इन रिलेशन, तो रिलेशन में क्या होगा जब आप लड़ने जाएंगे। मैं इसको स्ट्रगल से कनेक्ट करके देखता हूँ कि जब आप लड़ने जाएंगे तो उसमें दो विपरीत पक्ष दिखना चाहिए। यहाँ भी दो पक्ष आपको दिख रहा है कि एक बोल रहा है, यानी कि यह पक्ष स्पीकर का हो गया है, वो पक्ष सुनने वालों का हो गया है। हम लोग JNU में ऐसे समय में हैं जब पक्ष ही पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़ रहा है और कौन किस साइड में है। हमारे JNUSU को लोग आते हैं, कहते हैं नो, डोंट टच दीज स्पॉट्स। ये क्यों करेंगे? सामने एक और सफेद बोर्ड लगा हुआ है, नहीं, उधर जाना ही नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे नोटिस आया, नोटिस का भी एक अलग वाकया होता है। जब आपको नोटिस मिलेगा, अभी तक जो अनयूजुअल स्टूडेंट को मिले, जैसे मैं अनयूजुअल हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ अनयूजुअल, कि नोटिस मुझे जैसे ही लगता है इन्होंने गलती से दे दिया, इन्होंने मुझे चांस दिया। अंदर आपको चांस दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके फियर के टेम्परेचर को टेस्ट किया जाएगा। बोलेंगे लुक, यू कैन से यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट, नथिंग विल हैपन टू यू। आई थिंक एट दैट टाइम ऑल ऑफ अस नीड टू से यूनाइटेडली that all of us came to the protest, we stand here to do the protest, we will do the protest until and unless our issues are getting resolved. इसमें कोई फियर की बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोले? हाँ सर, सही बोल रहे हैं। एक JNUSU से भी पर्चा आया था, उसमें जब वहाँ पे जिस चार्ज में 9 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया, पर्चे में लिखा था जो एक्ट हुआ है वो गलत हुआ है, एंड वी आर विद सस्पेंडेड स्टूडेंट्स। तो आप इसको रिलेशन में देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें लिखते कि जो एक्ट हुआ हो गलत हुआ है। एक्ट क्या हुआ था कि आज तक AC मीटिंग जब भी होती है
तो स्टूडेंट के पक्ष से यूनियन जाते हैं और स्टूडेंट के पक्ष की बात करते हैं। ये पूरा जो मूवमेंट अभी चल रहा है सोशल जस्टिस, जो कास्ट, इनको लग रहा है कास्ट एसर्शन, कास्टिस्ट एसर्शन जो कैंपस में हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ? वहाँ जेएनयू से लोग थे ही नहीं, हमारा डिसेंट सुनने के लिए लोग थे ही नहीं। और मुझे तो, मैं तो जितने पूरे एक साल से हम लोग 9 फरवरी की तरफ बढ़ चुके हैं, आज 23 जनवरी है, कुछ दिन में 9 फरवरी हो जाएगा, हो सकता है हम लोग उसका भी बरसी मनाना शुरू कर दें। दिस वॉज द डे वी डिफीटेड द हिंदुत्व फासिस्ट। उसके बाद क्या हुआ? हिंदुत्व फासिस्ट को डिफीट कर रहे थे, नजीब गायब हो गया। हिंदुत्व फासिस्ट को आप लड़ रहे थे, यहाँ पे आपका 30 का 15 का वाइवा का बात था, और आपका जो 50 होने जा रहा है वो सोल क्राइटेरिया, मुझे पता नहीं चल रहा कौन किससे लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ पहले कैंपस में ये क्लियर होना चाहिए हु इज द एनिमी और वेयर आर टू साइड्स। मुझे तो साइड ही नहीं पता चलता है आज तक। अभी जो है हमारे टीचर्स भी आते हैं यहाँ पे मंच के बोल के जाते हैं, कई सारे जो यूनिटी का लैंग्वेज बोलते हैं, देयर इज नो नीड टू हैव फियर। निवेदिता मैडम आई और बोल के गए कि यू हैव टू स्ट्रगल इन यूनिटी अंडर द बैनर ऑफ जेएनयूएसयू। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ तब भी बोलता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, हु नीड्स टू वर्क इन यूनिटी। क्या यहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने गेट लगा दिया है कि आप यहाँ अंदर नहीं बैठ सकते हैं, अपना पैसा लगा के चंदा करके ये टेंट लगा हुआ है, और इस ठंड में आधे बीमार तो आप ठंड में पड़ जाएंगे, बाकी भूख हड़ताल से। तो जैसे वो बोल रहा है, लेफ्ट लेफ्ट से भी, लेफ्ट फ्रंट से लोग बोलते हैं आपको यूनिटी बनानी है, आपको किसी के बैनर। मैंने रात में भी कही थी, हमारे जो जेएनयूएसयू के साथी आए थे, मैंने उनको कहा था कि हम लोग कैसे आपके बैनर के तले काम करेंगे, आपके कमरे से उठा के आपका झंडा उठा के ले आए और गाड़ दे प्रोटेस्ट करने के पहले। जब प्रॉब्लम आएगा तो पहले हम आपके पार्टी का झंडा ढूंढने जाएंगे, या पहले हम यहाँ आएंगे इस प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ने। मुझे तो साइड नहीं पता चल रहा है कौन किसके साइड में। आप साइड क्लियर कीजिए कि आप किधर हैं। आप बोल रहे हैं सोशल जस्टिस, कई लोग हैं, आप बात करेंगे सबको पता है, जब बात करेंगे कह रहे हैं अच्छा कौन बैठा हुआ हंगर स्ट्राइक पे, तो एक है दिलीप कुमार है, अच्छा दिलीप कुमार मतलब, अरे दिलीप यादव, अच्छा उसके बाद दूसरा मुलायम सिंह, भाई क्या है यादव, अच्छा अच्छा यूपी में चुनाव है, यादव का कुछ गोटी वोटी सेट कर रहा है। इनको सोशल जस्टिस का मुद्दा अगर ये लेफ्ट के बैनर तले हो तो ये सोशल जस्टिस होता है, और अगर ये उसी कम्युनिटी के आने वाले लोग, उस ग्रुप के आने वाले लोग अगर वही बात बोलेंगे तो इनको लगता है कास्ट का एसर्शन हो रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? आपको क्यों लगता है? हम आपके पास क्यों जाएंगे? आप भी तो आ सकते हैं। आपको अगर ये भी लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है हमने आपको रोक रखा है, आप लिखिए अभी आप आए हैं। अभी देखिए हमारे यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट, तूफानी प्रेसिडेंट भी अभी आए हुए थे, दिखे थे, पता नहीं है कि नहीं, और अभी के वर्तमान वो भी आए हुए हैं। इतने दिनों से कहाँ थे, रात में आए इमरजेंसी में, जब पूरा डॉक्टर ने कह दिया कि इनको क्रिटिकल केयर में भेजने की जरूरत, नौबत आ सकती है, तब आप आए। इसके पहले कहाँ थे? यहाँ पे पहला टॉकिंग एक मिनट, लेट हिम स्पीक कॉमरेड, प्लीज लेट हिम स्पीक आपको भी चांस, प्लीज लेट हिम स्पीक डोंट रुइन इट, प्लीज लेट हिम स्पीक, दिस इज नॉट द वे। I believe that we are students of JNU and we believe in the democratic tradition. Let one speaker speak and if you have any question to the speaker will be over here. आप अपनी बात रख लीजिएगा ना बाद में। यू आर मोस्ट वेलकम टू डिसरप्ट व्हेन आई एम ओवर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेजवाड़ा विल्सन जब पहला दिन सोशल जस्टिस पे बोलने आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, दिस इज नॉट आई एम सेइंग, ऑन रिकॉर्ड बेजवाड़ा विल्सन यहाँ बोल के गए हैं कि when I was on the way coming to speak here at this venue, I received a call of Professor Nivedita almost 10 times and she told me कि मुझे JNU के अंदर आने के लिए क्या बोलना है।
कि आपको ये बोलना है, गार्ड पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि अंदर SIS में जा रहे हैं, मेरा नाम बताइएगा। बेजवाड़ा विल्सन सर यहाँ पे इसी मंच पे आके ये खुला पूछ के गए हैं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को या किसी को भी यूनिवर्सिटी में अंदर आने के लिए गार्ड को बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पे अगर ये कैमरा रिकॉर्डिंग घुमा के लिए हर जगह घूमता जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे शिक्षक लोग क्या एक्सप्रेशन दे रहे थे। वो ये एक्सप्रेशन दे रहे थे कि वो ये क्यों कोट कर रहा है, हम तो इसके कन्वीनियंस के लिए बोल रहे थे। आप किसके कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं? आप जिस यूनिवर्सिटी में आपको आने के लिए किसी रिलेशन की जरूरत पड़ रही है, अगर मैं पहली बार कोई ऐसा स्टूडेंट आए, मैं पहली बार दिल्ली आया था अपने फादर के साथ 2007 में, तो मैंने सुना था कि JNU नाम का कोई यूनिवर्सिटी है, चलते हैं। मेरे फादर यही RK पुरम तक आए, बोले नहीं नहीं बहुत दूर है, वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ से लौट गए। 2010 में मेरा एडमिशन यही हुआ, तो फिर मैंने पापा को कहा कि आप तो मुझे JNU नहीं ले गए, आप मेरे साथ JNU चलिए, तो हो सकता है सबसे। तो इतना होने के बाद बेजवाड़ा विल्सन, रोहित विमला, तमाम लगातार रेजिस्टेंस हर ग्रुप से आ रहा है, लेकिन सवाल है कि आपने एक मुखौटा तय कर लिया है कि अगर इस चेहरे का आदमी, इस आइडेंटिटी का आदमी, इस ग्रुप का आदमी अगर ये बात बोलेगा तो वो कास्टिस्ट रहेगा, इसके अलावा बाकी जो बोलेंगे वो कास्टिस्ट नहीं रहेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे बताइए। इतने साल से भाई एक सवाल है कि UGC गजट, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा ये UGC गजट आया है 4 मई 2016 को, TU में भी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे जितने लोग जानते हैं, गजट को समझ रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ JNU के आधे टीचर या तो जो अभी परमानेंट यहाँ है, वहाँ DU में पढ़ाते हैं, वहाँ भी लेफ्टिस्ट है, यहाँ भी लेफ्टिस्ट है, ये कैसे हो सकता है कि DU का लेफ्ट ग्रुप उसके खिलाफ मई में प्रोटेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जब आपका 30 नंबर से 50 नंबर पे वाइवा होने की बात आ रही है, तब आप कह रहे कि नहीं नहीं इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप कब लड़ेंगे? आप तो स्टूडेंट को समझाने आते हैं कि दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक वे, आपको आपके कितना डेमोक्रेसी बताएंगे? आप ही का नोटिस आपके हिस्से, आपके पिछली बार अगर मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे जेनुटा प्रेसिडेंट पिछले एक एक्टिविस्ट को यहाँ पे बोल के गए कि आप जो है, मैंने लिखा भी है, मैंने अपने एक टीचर को मेल में भी ये लिखा है कि आप हमेशा बोलते हैं वाई यू ऑलवेज क्वेश्चन लेफ्ट, पूरा एनिमी आपका लेफ्ट क्या, मुझे क्या पता मेरा कौन एनिमी है, मैं कहा किसी को ब्रांड कर दे रहा हूँ। हम लोग तो इस एज में जी रहे हैं जहाँ पता ही नहीं है कि एनिमी लेफ्ट है कि राइट है। आप बोल रहे हैं संघी है, संघी संघ ने, संघ तो बहुत कुछ कह रहा है, संघ तो कहता है कि कम्युनिस्टों को देश से भगा देंगे, तब तो आप नहीं भागते हैं, और एक बैनर लगा देता है तो आप डर से प्रोटेस्ट करने नहीं आते, मुझे कैसे पता चलेगा आप रेजिस्टेंस नहीं। उस दिन भी नजीब के इशू में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सारे लोग आए कहने लगे नहीं ये साथ नहीं होगा वो साथ है। उस दिन भी क्या BC डायरेक्ट बोलने आया था? नहीं आया था। आप किसी इंक्वायरी कमेटी में जाइए, आपसे जिस लैंग्वेज में बात किया जाता है, आपको लगे कि अंदर ज्यादा डेमोक्रेटिक है, बाहर ज्यादा फासिस्ट है? अंदर आपका अंदर जाने के बाद आपको पूछेंगे कि नहीं नहीं आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? अरे ये सवाल तो हम चाहते हैं कि वहां पहुंचने के पहले ये सवाल हमसे, इस स्टूडेंट से, स्टूडेंट कम्युनिटी से अगर प्रेसिडेंट आके पूछे, JNU से आके पूछे कि आपको क्यों बैठने की जरूरत पड़ी। सवाल यही है कि हमारे पास JNU स्टूडेंट यूनियन है, उसके रहते रहते हैं अगर कोई भी एक ऐसा मूवमेंट लड़ने की जरूरत पड़ रही है और आप नहीं है, तो लोग पूछेंगे इसमें मैं कहाँ एंटी लेफ्ट हूँ, एंटी लेफ्ट होने की क्या बात है? तो ये हमेशा आपको ये बताएंगे आपको एंटी लेफ्ट, इनका इनका पूरा एजेंडा है कि जो भी अपनी बात कर रहा है, वाजिब कर रहा है, उसको कहेंगे आप एंटी लेफ्ट हो। अरे मुझे एंटी लेफ्ट मिलने से क्या होगा ये बताइए, अगर मैं एंटी लेफ्ट हूँ तो मुझे क्या फायदा है? आप उधर से बोलेंगे एंटी राइट है, उधर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस भेजेगा, आप यहाँ पे फोटो था, आपका वीडियो है, फोटो है, आपको क्यों ना नोटिस भेजा जाए, आपको क्यों ना रेस्टिकेट किया जाए? तो उधर से राइट विंग आपको कहेगा कि नहीं नहीं तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, उधर से वो आपको भगाएगा। इधर से जिसके कंधे पे आपने लड़ने की जिम्मेदारी दी, नहीं 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 पीसफुल करना था, कितना पीसफुल करेंगे? आज से 2014 में BJP की सरकार आई है, ये वाइस चांसलर 27 जनवरी 2016 को आया है, आप कह रहे 2016, 27 जनवरी 2016 के पहले कि कौन लोग यहाँ पे थे? यहाँ के AC मीटिंग में कौन मेंबर नहीं है, यहाँ के EC मीटिंग में कौन मेंबर नहीं है? हिंदुस्तान में कई MP है, अगर EC मीटिंग का पैनल का नाम पता किया जाए कि वहाँ पे कौन
प्रकाश करात और सीताराम येचुरी चाहे जितने भी लोग हैं राइट लेफ्ट जो भी इसी में होते हैं, आज तक आपने 30 से 15 नंबर क्यों नहीं किया? ये एक सवाल है, सिर्फ इसलिए कि सरकारें बदल जाएंगी तो सवाल बदल जाएगा क्या? जैसे आप ही तो हैं, आपका लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आपने हमें सिखाया है कि नहीं, सवाल हमारा मजदूरों का सवाल नहीं बदलता है, हमारा वर्कर्स का सवाल नहीं बदलता है। अरे तो वही सवाल यहाँ भी तो है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सवाल कैसे बदल जाएगा? ये तो जब जब रोल बैक फी के लिए आपको रोल बैक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, फी हाइक हो रहा है, सब हो रहा है और आप गायब हैं। और जो लड़ रहे हैं उसको कह रहे कि ये सोशल जस्टिस है, ये एंटी लेफ्ट है, ही इज वन ऑफ द एलाई ऑफ द राइट विंग फोर्सेस। कई लोग ये भी मार्केट में फैलाते हैं, ये तो मुझे मार्केट लगता है, डिसेंट मार्केट लगता है, जैसे डिसेंट का एक मार्केट मुझे लगता है जेएनयू इज अ प्लेस ऑफ डिसेंट मार्केट, मार्केट ऑफ डिसेंट यहाँ पे चल रहा है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पे बोलते हैं जेएनयू इज द ओनली यूनिवर्सिटी विच विल फाइट अगेंस्ट ऑल इनजस्टिस। कोई कैसे फाइट करेगा जब आप अपने स्टूडेंट के लिए, जो आपको वोट दे के यूनियन बनाता है, जो आपके पीछे हमेशा चाहे लाठी खाने की बात हो, जेल जाने की बात हो, डिटेन की बात हो, हर मुद्दे पे आज तक खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे मोहित पांडे जी आके बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम आपका छूत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सारा अनटचेबिलिटी का वर्ड है, आपके दिमाग में सबको पता है, इट इज रिकॉर्डेड स्पीच, कि हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने स्पीच में बोला हुआ है कि देर आर गुड दलित बैड दलित, और ये अपना अनटचेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे देते हैं। हम तो ये मान ही नहीं रहे, हम तो ये रात में भी यहाँ पे कि ये NSY के सनी बोल रहे थे और भी कई लोग बोल रहे थे कि हम लगातार आपके साथ लड़ाई में है और मेरा नाम आप पर्चे में नहीं दे रहे, ये ठीक नहीं है। हम लोग सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, अगर आप लड़ाई में है ऐसा कौन सा है, जब ये तो सस्पेंडेड कमेटी, सस्पेंडेड स्टूडेंट्स का कमेटी इसको चला रहे थे, उसमें पार्टी की बात कहाँ गई? बात में वो समझ गए, लेकिन ये आएंगे तो बोलेंगे क्रेडिट। आप पहले तय कर लीजिए कि आप क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं या जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई जनता किसी क्रेडिट के लिए कोई वोट देने जाती, क्रेडिट के लिए वोट जाती है क्या? अभी बिजवाड़ा बिल सर जब इनके सोशल जस्टिस के स्टेज से बोलने आए तो बहुत लोग ध्यान दियो, ओ या इज अ वंडरफुल स्पीकर। उसके ठीक 10 दिन पहले या 20 दिन या एक महीना पहले बापसा जब नजीब का मूवमेंट चल रहा था, नजीब के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद नजीब की सॉलिडारिटी में जब बेजवाड़ा विल्सन आए थे, उस समय का स्पीच मुझे लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट था। उस दिन उन्होंने क्या बोला था, उस दिन मुश्किल से 100 लोग रहे होंगे, उस दिन भी बेजवाड़ा विल्सन ने कहा कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? और मेरा अपना अनुभव है, मैंने बचपन से जितना भी देखा, मैं JNU तो अभी आया हूँ, मेरा क्या है, जुम्मा 4 दिन भी अभी नहीं हुआ है, मैं आया हूँ PhD करके निकल जाऊंगा, मेरे जैसे कितने लोग निकल जाएंगे। आप जो है जब का आप बोल रहे हैं आपका लेगेसी है, अरे हम चाहते हैं कि आपको लेगेसी पे, अगर आपको लेगेसी बचाने की राजनीति करती है तो आप लेगेसी बचाने के लिए लड़ते रहिए, हम लेगेसी बनाने की राजनीति करते हैं। जो पुराने कितना होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है, हम जो कर सकते हैं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन कोई फॉलो नहीं करते हैं लोग, कोई इस देश में संविधान को फॉलो नहीं करता है। आप उसका एग्जांपल आप यहीं से देख लीजिए, JNU से देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कहती है कि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो आप उसका वाइवा का मार्क्स 15 नंबर से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अभी तक केस चल रहा है, और ये केस कोई सोशल जस्टिस या सस्पेंडेड कमेटी स्टूडेंट्स या कोई बापसा है OBC फोरम नहीं लड़ रही है, ये आपके लेफ्ट के एजेंडे का पार्ट है। अगर आपको याद नहीं है तो अपना चुनावी घोषणा पत्र पुराने समय का निकालिए और देखिए, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 15 नंबर से ज्यादा वाइवा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का मानना है तो मैं यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा JNU सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? तो आज तक JNU में क्यों नहीं हुआ? आपको लगता है कि JNU सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? यहाँ पे मैं तो मानता हूँ कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर इज वन लेजिस्लेचर, देयर इज वन एग्जीक्यूटिव, देयर इज वन जुडिशियरी। मुझे प्रैक्टिकली मुझे क्या सबको लगता है कि इन दिस कंट्री there is not just one legislature, one executive and one judiciary. I believe and I am sure and I have seen it, and we are all the culprits, victims of this system. In this there are legislatures, in this there are executives, in this there are judiciaries.
कोई भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये केस लड़ेंगे अपने कन्वीनियंस से, और जब आपका यही राइट विंग ऑनस्लॉट होगा तो आप उसी सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे तो उस समय बोलेंगे कि नहीं नहीं कोर्ट से रिलीफ ले आएंगे, लेके आएंगे। आपके लिए तो कोर्ट भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सारे संस्थान भी है, तो आपको लगता है कि यहाँ जब हमारा स्पेस जाएगा तो कोर्ट से हमारा स्पेस प्रोटेक्शन होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जिस ग्रुप से आते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके यूनिवर्सिटी में स्पेस नहीं मिलता है, और जब कोर्ट में कोई लड़ने जाता है वर्डिक्ट आता है तो आप ही की यूनिवर्सिटी उस कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानती है। हम कहाँ जाएंगे आज मुझे ये बता दीजिए कि हम कहाँ जाएंगे? यही हमारे निराला सर यही खड़े हैं, इत्तेफाक से बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं नहीं कहा कोर्ट साइड कर देता। सबको पता है स्टूडेंट में जब यूजीसी नेट एग्जाम देने की बात होती है तो उसमें 50% करने वाला कौन है? कोई लेफ्ट पार्टी से लड़ा है क्या? कोई ऐसे भाई से लड़ा है क्या? कोई ऐसा से लड़ा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ सामने निराला सर है, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप इनसे पूछ सकते हैं। वो केस अकेले एज एन इंडिविजुअल, जिसको ये कहते हैं कि नहीं नहीं इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब सारी पार्टियां बिक जाएंगी, जब सारी पार्टियां दलाली करने लगेगी तो हाँ इंडिविजुअल से तो लड़ेंगे भाई। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पॉलिटिकल खेमे में, आपके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूँ कि कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न फर्स्ट एज एन इंडिविजुअल, बाद में उनका आइडेंटिटी सोशल रिलेशन में आएगा। लेनिन इंडिविजुअल पैदा हुए थे, पैदा होते ही कोई मार्क्स। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप कह देंगे ये इंडिविजुअल कर रहा है पॉपुलैरिटी। मैं स्पीच देता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं अरे ये तारीफ के लिए, आपके तारीफ से मेरा क्या हो जाएगा? आपको लगता है कि आप में इतना कुवत है कि मेरा तारीफ करके आप कुछ कर देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ के यहाँ तक आए हैं और इसके आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम उस ग्रुप से, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग उस ग्रुप से उस हिस्ट्री से आते हैं जहाँ पे लड़ने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। आप बोलते हैं कि राइट विंग के खिलाफ बोलने के ज्यादा, मैं कई बार भाषण देता हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि साथी आप जितना राइट विंग के खिलाफ नहीं बोलते हैं उतना लेफ्ट विंग के खिलाफ बोलते हैं। ये क्या है? आप जो है राइट विंग के एजेंट टाइप के बोलते हैं। मैं आपको राइट विंग का एजेंट लगता हूँ? आपके कॉमरेड फेसबुक पे क्या लिखते हैं? उस दिन बेजवाड़ा विश्व ने कहा दैट यूनिवर्सिटी स्पेसेस हैव बिकम लाइक ए डेथ चैम्बर फॉर दलित्स इन दिस कंट्री। आपके आपके फ्रेंड्स ने क्या, लेफ्टिस्टों ने क्या फेसबुक पे लिखा? कह रहा कि बेजवाड़ा विल्सन सेड दैट यूनिवर्सिटी स्पेसेस, यूनिवर्सिटीज हैव बिकम गैस चैम्बर ऑफ फॉर द गैस चैम्बर फॉर दलित्स। आपका जो जर्मनी नेशनलिज्म का जो इमेजिनेशन है, आपको लगता हो कि 24 घंटा जर्मनी की एंजेला मर्कल यहाँ आएगी और यहाँ पे आपको फासिज्म होगा? मुझे ये कभी नहीं लगता। आपको लगता होगा बीजेपी सरकार के बाद फासिज्म आएगा या उसके बाद कोई और सरकार आएगा? मुझे ये नहीं लगता। मुझे तो लगता है इस देश में पहले से फासिज्म है। इस देश के फासिज्म का इतिहास दुनिया के किसी भी फासिज्म के इतिहास से सबसे पुराना है, सबसे खतरनाक है, और वो फासिज्म का इतिहास जाति का इतिहास है। आप देख लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं बापसा की राजनीति, ओबीसी फोरम, ये बिरसा फूले कौन थे, हुआ थे? मैं बताता हूँ कौन थे, अगर आपको नहीं लग रहा तो। आप कह रहे हैं कि आप कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कब छप के आया? 1848 में छप के आया। तो आप जब कल मार्क्स 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे तो मैं पूछूंगा कि 1848 में इंडियंस क्या कर रहे थे? मेरे दिमाग में सवाल है। प्री ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स जो उसमें प्री कॉलोनियल इंडियंस, पोस्ट कॉलोनियल इंडियंस क्या कर रहे थे? आप क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि 1848 इस पूरे दुनिया के इतिहास में जहाँ एक तरफ मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी का समय था, उसी समय इस दुनिया में 1848 में पहली बार वंचितों के लिए बाबा फूले एक बार स्कूल खोल रहे थे। आप पढ़ लीजिए, और मुझे लगे कि ये जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये मजदूरों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं तो किसी भेदभाव के बिना जाऊंगा, मैं उसके बैनर तेरे लड़ूंगा, तो आपसे मुझे क्यों हेट्रेड होगा? आप नहीं आ रहे। 1851 में सावित्रीबाई फुले ने दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, 1857 में सारी ग्रुप के लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, और आप हमें सिखा रहे हैं कि हम इसके यहाँ का हिस्ट्री न पढ़ के हम कल मार्क्स मैनिफेस्टो, ये लोग मार्क्सिस्ट नहीं है, ये लोग पता नहीं कास्टिस्ट है, रिजर्वेशनिस्ट है। आपको लगता है, मैं एक और दिलचस्प बताता हूँ, इस
कैंपस में और मुझे अपने जहाँ से पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ वहाँ भी एक बड़ा फेमस डायलॉग चलता था। दुख की बात है कि वहाँ पे जितनी लेफ्ट पार्टियाँ हैं स्टूडेंट की वहाँ कम मार्जिनल प्रेजेंस है उनका, तो वहाँ पे अपनी बात नहीं रख पाते। तो वहाँ पे जो काम ये लेफ्ट के बैनर तले करते हैं वो दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपने दूसरे फ्रेंड से करते हैं। वहाँ पे क्या बोलेंगे, यस यस यस, एक था कर्पूरी ठाकुर, एक थे, उन्होंने एकदम बिहार को बर्बाद कर दिया, अंग्रेजी को कंपलसरी हटा दिया, उसको कंपलसरी था तो लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी 1980 के दशक में चीफ मिनिस्टर था, 1980 के दशक में अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे देश में अगर लोगों को शिक्षा मिलाना है तो अंग्रेजी की वजह से उसको फेल होने से रोकना होगा, अंग्रेजी पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे लेकिन उसका फेल नहीं माना जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। मैं भी उसी कर्पूरी डिवीजन का पास आउट हूँ और मैं यहाँ से लिंग्विस्टिक्स में मैंने MA किया है और मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। आप बताइए कि अगर उस समय हमें रोक दिया जाता, मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आते थे? 8वीं क्लास में था, मेरे कितने मार्क्स आते थे? 12, 13, 14। बिहार में लोग मजाक उड़ाते हैं तो वहाँ पे छठे क्लास से A4 एप्पल सीखता है। सब सरकारी बच्चे अभी के एज में कहेंगे एकदम एजुकेशन बर्बाद कर दिया। अरे JNU में इंग्लिश लैंग्वेज का डिबेट है, 1980 में जो आदमी बोला है आप उस पर क्या करेंगे, बोलिए। एक और मैं आपको दिलचस्प सुनाता हूँ, 3 दिन पहले की बात थी, यहाँ पे एक स्पीकर, हाँ सोहेल हाशमी सर जब बोल रहे थे तो इंग्लिश में बोल रहे थे। अब मैं इसको अब लैंग्वेज से कनेक्ट कर रहा हूँ कि 1980 के दशक के जिस आदमी को इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बदनाम किया है, 2017 में उन तमाम लोगों को, उन लोगों की स्थिति क्या है, भाषा पे पोजीशन क्या है, तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अकबर चौधरी यहाँ पे सबके सामने बोल रहे थे कि सोहेल सर आप इतने तेजी से इंग्लिश बोल रहे थे कि हमें समझ में नहीं आया, आप हिंदी में ये बात बोलेंगे भी? यहाँ पे कई लोग हैं, मुझे जानते हैं कि मैं कूट करना पसंद करता हूँ, मुझे जो हास्यास्पद लगता है तो मैं जो, मुझे जोर से हंसना, मैं एटिकेट डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझे आपसे किसी का वोट नहीं चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ मैं अपनी बात कर कि आप इतनी तेजी से इंग्लिश बोल गए कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग भी अकबर को जानते हैं या अकबर से मिले बातचीत करते हैं, क्या ऐसा है समीम दा भी उस दिन सोहेल हाशमी का रिकॉर्डिंग किए हैं? अगर इनको यकीन ना हो तो समीम दा का सोहेल हाशमी का स्पीच एक बार सुन ले और उसके बाद बता दे लोगों को कि वो इतना स्पीड था कि अकबर को नहीं अंग्रेजी समझ में आ रहा है। आप किसको डिबेट कर रहे हैं? यहाँ पे जो डिबेट होना चाहिए आप उस डिबेट को भटका रहे हैं। यहाँ पे एक और स्पीकर उस दिन आई थी, लेडी थी, बोल रही थी SFI की कभी जनरल सेक्रेटरी या पता नहीं कुछ थी, वो कह रही थी दोज वर टाइम्स। मैं पूछना था तो कौन टाइम्स को आप लोग रेफर करते हैं, कौन गोल्डन एज आ गया? आप जो है आप 30 से 50 कर दिया तो कह रहे कि फासिज्म हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट विंग कर रहा है, और 30 से 15 नहीं कर रहा तो वो कौन कर रहा था? तो हम लोग तो उस खेमे के लोग हैं जहाँ हमारी लड़ाई तो दोनों से है, और आप पूछ रहे हैं कि हम आपको अनटचेबल कर रहे हैं, हम आपके बैनर तले नहीं लड़ रहे हैं, हम तो किसी के बैनर तले लड़ जाएंगे। जो हमारी बात ईमानदारी से करेगा हम उसके साथ खड़े होकर लड़ेंगे, उसके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और ये मैं कई बार बार बोलता हूँ, ये लोग है यहाँ पे एक और बोलते हैं नहीं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो रहा है, बहुत लोग जाति पर डिबेट कर रहे हैं। अरे जाति इस देश की रियलिटी है, ये देश कम्युनिस्ट पार्टी का पोलित ब्यूरो का ऑफिस थोड़ी ही है, आपके कम्युनिस्ट पार्टी को पोजीशन लेने में अगर 100 साल लग जाएगा तो इस देश को भी 100 साल लगेगा। इस देश में सबको पता है कि इस देश में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हिस्ट्री चल रहा है और सदियों से चल रहा है और चलता अभी नारा में लगाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो वो है अगर लड़ाई चल रही है तो अम्बेडकरवाद और सावरकर के खिलाफ चल रही है। इसमें दो 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 लड़ाई अगर देखा जाए कॉन्क्रीटली तो हमें इससे बाहर आना होगा। अभी सोमू सर भी बोल के गए हैं कि अम्बेडकर का रीच इतना बड़ा है कि वो क्लासरूम टीचिंग में समा ही नहीं पाते हैं। अब बताइए, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ ही बोल सकता हूँ, लेकिन बताइए ये हमारे शिक्षक जो सिंसियरली जिनको लगता है अम्बेडकर शुड बी इक्वली टॉट, तबे अदर स्कॉलर्स, अदर फिलोसफर्स, अदर आइडियलिस्ट, अदर रैशनलिस्ट आर बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, इसमें क्या गलती है बताइए? लेकिन आज भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ये सोशल जस्टिस की लड़ाई सबको लग रहा है कि एक पार्टी की लड़ाई है। आप UGC गजट पे भी आप देख लीजिए, UGC गजट में जो आया है, अगर हमसे पूछा जाए आपका इंडिविजुअल क्या है तो मैं तो इंडिविजुअल कहूँगा गजट बहुत सही है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में देख के आया हूँ उस गजट के हिसाब से एक प्रोफेसर 8 से ज्यादा लोगों को PhD नहीं करा सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर 6 से ज्यादा लोगों को PhD नहीं करा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 से अधिक लोगों को PhD नहीं करा सकता है। ये मैं
जब यहाँ पे आया तो देखता हूँ एक सुपरवाइजर के अंदर 16, 32, 30, 20 कई है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब आपके इंटरेस्ट पे भी हमला हो रहा है और तब आप चुप हैं, तो ये मेरा काम है कि मैं आपके इरादे पे शक करूं। दुनिया की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जेएनयू में अभी से नहीं मई से चुप्पी है, और जब इंप्लीमेंट हो चुका है, सब हो चुका है। आज भी सुबह में वाइस चांसलर से लोग मिलने गए थे और वाइस चांसलर ने वैसे ही नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है कि देखिए हम ये